नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना के सैदपुर नहर के पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा जो नाला है जो खुला है। हम आपको बता दें कि आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हुए हैं क्योंकि अभी आपने हाल ही में एक बहुत ही दुखद भरी खबर जो कि सुनी होगी, वो पटना के राजीव नगर से जो निकल कर आई थी। 11 दिसंबर की रात एक 4 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिर जाता है और उसके बाद उसे खुले मैनहोल में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। हम आपको बता दें कि पटना में लगभग अभी तक 80,000 मैनहोल है, जो अगर सही कहा जाए तो अभी नगर निगम के पास भी ये सही आंकड़ा नहीं है कि कितना मैनहोल जो है वो खुले होंगे। तो आए दिन यहाँ के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं जो आए दिन उन्हें देखना पड़ता है। क्योंकि कई बार होते हैं कि ये जो नज़ारा है, आप रोड के हालात देख सकते हैं कि रोड भी बहुत इतना अच्छा नहीं है कि गाड़ी जो है सर पर दौड़ जाए। यहाँ पर रोड का भी हाल वही है, नाली का भी हाल वही है और पटना में तो भाई डेंगू का भी कहर जो है लगातार वो जारी है। तो यहाँ अगर इतना खुला नाला है, इतनी गंदगी है, मुझे भी खड़े होने में यहाँ दिक्कत हो रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो यहाँ जो तमाम जिनकी भी दुकानें हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, उनको आए दिन कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, क्या कुछ छेना पड़ता है, उनसे बात करते और जानते हैं। राकेश कुमार विश्वकर्मा। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? यस। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं कि यहाँ की जो परेशानियाँ होती होगी आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। तो आपके सामने जो इतना बड़ा नाला खुला है, आए दिन क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल के आती, क्या कुछ लोगों को परेशानियाँ जो है वो झेलनी पड़ती है। यहाँ पे कभी गाय गिर जाता है, कभी आदमी गिर जाता है, इसमें कभी गाड़ी लेकर कहीं गिर जाता है, क्या किया जाए। तो आए दिन दुर्घटना जो है वो होती रहती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि नगर निगम की लापरवाहियों की वजह से लोगों की जाने जो है आए दिन वो जाती रहती है। और क्या कुछ अभी रात इसमें कुछ दिन पहले एक आदमी गिर गया, वो मिला ही नहीं, मर गया। ये तो एक कुछ दिन पहले की हुई, लेकिन आप मतलब इतने टाइम से रह रहे थे और इसके बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आपने कभी कंप्लेन किया, कुछ बोला? कंप्लेन तो डेली होता है मैम, कोई सुनता ही नहीं। कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं, कोई जो जनता करेगा वही करेगा, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ सिर्फ जनता ही लोग अपने में इकट्ठा होकर समाज वो कूद करके किसी को बचाया तो बच गया, नहीं तो कोई प्रशासन नहीं, कोई लोग नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ यहाँ के जो स्थानीय निवासी, उनका कहना है कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ये लगातार नगर निगम या फिर जो भी सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग को इसकी जानकारियाँ भी देते हैं, लेकिन उनके तरफ से जो रवैया आता है वो क्या कुछ है ये तो इन्होंने ही बता दिया कि उनके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या नाम हो आपका, क्या नाम हो? संजय कुमार मेहता। तो क्या कुछ परेशानियाँ जो सैदपुर के लोग हैं, सैदपुर नहर के पास जो लोग हैं वो झेलना पड़ता नहीं है? बासी मुसल्लेपुर के हैं, लेकिन यहाँ बरवक़्त आते हैं तो भीड़ भाड़ लगा रहता है, इसके चलते बहुत लोग का कष्ट होता है। सरकार तो निकम्मा पनी दिखा रही है, समझ। ये बताइए, पटना में अभी डेंगू का कहर जो है लगातार जारी है, उसके बावजूद इतना खुला नाला है? बहुत है, इसके लिए सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, समझ गए। आए दिन यहाँ पर लोग दुर्घटना भी होता रहता है, बीमार पड़ जाता है यहाँ पर, इसके गंदगी के कारण लोग बीमार रहते हैं, समझ गए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, टूटा हुआ है, फोर व्हीलर जाएगी या टू व्हीलर जाएगी, तो आगे का जो सड़क है वो और भी खराब है। हाँ, आगे का सड़क बहुत खराब है, आगे आप जाइएगा ना, हाँ खराब, अब बहुत खराब है, लोग वहाँ जाइए तो आपको घेर लेगा। चलिए, तो इन्होंने बताया था, हम आगे भी जाएंगे, वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ को क्या कुछ परेशानियाँ, वहाँ भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ जो परेशानियाँ जो है लगातार लोगों को झेलनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क की क्या दुर्दशा है, क्या हालात है। यहाँ पर अगर कचरे की बात कर लें तो यहाँ पर वो साफ तौर पर आप विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि क्या कुछ गंदगी यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिख रही होगी। यहाँ इतना बड़ा नाला खुला है, आए दिन जो है यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्होंने बताया कि आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और उन्होंने कहा कि आप एक बार जो यहाँ से कुछ दूर महज कुछ आगे चल के वहाँ का रोड का नज़ारा देखिएगा तो आप कितनी दुर्दशा है, कितनी दयनीय स्थिति है सड़कों की, ये आप साफ तौर पे आपको जाते ही वहाँ दिख जाएगा। और उन्होंने बताया कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो कितनी लोगों की परेशानियाँ हैं वो तो आप वहाँ पर जाके ही आप पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि पटना में एक बार जहाँ फिर से डेंगू का कहर जो है फिर से जारी है, उसमें अगर इस तरीके के हालात होंगे तो क्या कुछ लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो आखिर कब तक नगर निगम की जो गलतियाँ हैं, नगर निगम की जो
कहा जाए कि जो काम नहीं कर रहे हैं उनके उनकी ढिलाई की वजह से आखिर कब तक लोगों को झेलना पड़ेगा, आखिर कब तक लोगों को इस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो और भी लोगों से बात करेंगे क्या कुछ परेशानियाँ हैं, और हम जानेंगे कि और उनको उनके परेशानियों को किस तरीके से दूर किया जाए, आखिर कब प्रशासन ध्यान देगी, कब उनकी नज़र इन लोगों की परेशानियों की तरफ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं यहाँ पर सड़कों के किनारे, आए दिन बैठती होंगी, आज भी बैठी हैं। तो यहाँ क्या कुछ परेशानियाँ हैं, क्या कुछ लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, किस तरीके से यहाँ पर रहती हैं इतनी गंदगी में, और क्या कुछ इनका कहना है, आइए नीचे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या सर, इतना परेशान हम लोग हो रहे गरीब आदमी, बताइए, इतना मच्छर काट कर के तो बीमारी फैले ले, मरेगा। पटना में डेंगू का कहर जारी, उसके पूरा जारी है। हाँ तो पूरा गंद है, कैसे रह रहे हैं, देख रहे हैं दरवाजा पर बैठे हुए सुगंध ले रहे हैं, आपका कहने यहाँ पर कोई लगाता है डिटॉल तो नहीं देता कि पूरा बॉडी में लगाए कि मच्छर भागे, बताइए। और क्या परेशानियाँ जो झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ इतना गंदा स्मेल कर रहा है। अरे गाय है, गाय डेली मार रहा है, गाय का परेशानी है, गंद की परेशानी है, मच्छर परेशानी है, नाला परेशानी है, कूड़ा फेंक रहा है, देख रहे किसका पब्लिक के रोकिएगा, पब्लिक रोकिएगा बाबू। यहाँ पर रोज कूड़ा उठाया जाता है कि नहीं, नगर निगम के लोग? नगर निगम वाला उठाता है, फिर रख जाता है, रख जाता है। हम तो बार बार बोलते रहते कि उठाओ यहाँ से, यहाँ से उठाओ, तवा उठाता है, उनने से आता है, इनने से आता है, सब सबसे बड़ा। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आए दिन कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा मैनहोल खुला है, इतना बड़ा नाला खुला है, और आपने भी अभी सुना होगा कि राजीव नगर में एक खुले मैनहोल में 4 साल के बच्चे की गिरने से मौत हो गई। तो आए दिन यहाँ पर कितनी घटनाएं होते रहती है? हम लोग यहाँ का तो प्रॉपर लोग है, यहाँ तो आए दिन तो आदमी लोग को तो नुकसान तो होता ही है, बहुत सारे लोगों को। क्या कुछ घटनाएं आए दिन होती रहती है, उसके बावजूद भी अगर इतनी दुर्घटना होती है तो उसके बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, कहाँ कमियां दिख रही हैं? क्या लगता है ये पब्लिक में ना, ये लोग यहाँ के लोगों ने कभी कंप्लेन किया? नो, नहीं, कोई नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं हुआ कि एक्शन नहीं लिया? पब्लिक में ही एक्शन नहीं है, पब्लिक सारे पब्लिक जुट के एक्शन करेंगे तभी तो कोई बात होगा ना। अभी एक पब्लिक दो पब्लिक मिल के अगर बोलेंगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक, अगर सारे पब्लिक एक हो जाएंगे तभी तो। कुछ भी करिए, कुछ कोई रिस्क नहीं ले रहा है, कोई रिस्क नहीं ले रहा, कोई रिस्क नहीं ले रहा, नहीं। तो आप देख सकते हैं जी, क्या बोल रहे हैं अंकल? बाट पार्षद रिस्क नहीं ले रहा है बाबू, यहाँ के जो बाट पार्षद है उनके द्वारा भी कोई काम नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या तो आप लोग वोट कैसे देते हैं अगर बाट पार्षद के द्वारा काम नहीं? बाट पार्षद अगर मेरा बात समझा जाए, मान ले आपको हम बाबू बोले तो आप हमारा कोई काम कीजिएगा ना कि नहीं कीजिएगा? अब हम उसके पास जाते हैं कोई काम के लगे, हमारा ये आदमी नहीं है, आप आइएगा थोड़ा देर की बात, हम उसके लगे हम जाएं उनके पास, मतलब वहाँ की जो बात पास है उनका भी रहना। मेरी बात समझ लीजिए, हम रिक्शा चलाने वाले उतना तो समय नहीं है कि आपके साथ में हम दे सकते हैं, हो सकता है कि आपको हम रिक्शा बैठा के हम आपको कहीं जगह पर छोड़ सकते हैं, कुछ इमरजेंसी केस है तो उसमें हम आपको जगह पहुँचा देंगे, जाए अंकल चलिए हमको वहाँ फलाना जगह पहुँचा दीजिए, ठीक ना। अब इस तरह से उस तरफ जाते हैं, वो आदमी कहता है कि अभी 10 मिनट बाद आइएगा, तो उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ रहता है। आपने बोला नहीं कि आपको जो चुना गया था यहाँ के लोगों के काम करने के लिए, यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उसको कम करने के लिए? किस किस को परेशानियाँ बोले हम, ये नहर जो मेरा है तो आज तक बंद नहीं हुआ, कितना यहाँ डूब के मर गया, बात पार्सल को किसको है, आज से ले कर 1984 से यही रवैया चल रहा है, नहर कभी टपा नहीं, कितना मर रहा है, कितना जुड़ रहा है।